टेस्ट करा ले, तो 5,000 रुपए इनाम दूंगा और तो 10,000 दे दे, तू बेटे के बराबर। चलो चलो चलो, बात नहीं गलत वर्ड नहीं, तूने कैसे बोल दिया दारू पिया, दारू चले चले। मैं ये समझना चाह रही, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी चले रुकिए, गाने चर्चा सर कर रहे थे, राजू जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। राजू मैं ये समझना चाह रही हूँ, राजू जी आपने बता दिया कि कुछ काम नहीं हुआ, 14 में बीजेपी आई, सब चीजें कह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो तो बीजेपी की अभी, और देखिए बीजेपी के राज में भव्य राम मंदिर तैयार है। राम मंदिर का मसला आज से नहीं, बोलने से क्या होता, कुछ नहीं होता। तुम्हें खाना देगा तुमने? अच्छा तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ काम करते हो? अरे काम कहाँ करते हो भाई, काम कहाँ करते हो? अरे काम का बस मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोल दूंगा, मुझे खाना मिल जाएगा। एक ही नाला बहुत है ना भैया। बस जो मैडम चाहिए, इतने लड़कों में गिरी बैठी हो ना आज, सेफ हो, ये भी मोदी और योगी की देन है। राम राज्य स्थापित हो रहा है, जय श्री राम। उससे क्या होगा, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, पूरे साल रहेगा, पूरा साल, पूरा जिंदगी, जिंदगी बिना कमाए कोई खा ले यहाँ पे। हाँ। तो मैं बताऊंगा, बिना कमाए बिना कंपनी में काम करे हुए मैं जय श्री राम बताऊंगा जिंदगी भर। मेरे को कोई खिलाएगा, मेरा लाइफ बनाएगा, मेरे को शिक्षा देगा, क्या देगा? कोई कुछ नहीं देगा। मैं कमाऊंगा खाऊंगा। अरे वो नहीं, जो मैं जहाँ से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ, मैं कमाने दिल्ली आ गया। अगर मैं, अरे नहीं, एक चीज मैं बताता हूँ, आज के टाइम में जो चीज है, सबको लगता है कि राम मंदिर के अलावा और भी मुद्दे जिन पर काम हो, नहीं शिक्षा, शिक्षा मेन इम्पोर्टेंट चीज है। बिहार में जो बीएड था, चलिए देखिए युवाओं के हाथों में जब भैया ये झंडा है तो किसी और चीज की जरूरत क्या? तो जय श्री राम लिखा, जय श्री राम, जय श्री राम, चीज की जरूरत है क्या? अरे इसके कुछ नहीं है, बस यही बतेरा है, नाम ही बतेरा है बस। राम मंदिर मिल गया और क्या चाहिए फिर? एक चीज बताइए, अभी जो है राम मंदिर मिल गया, कह रहे हैं ना कॉलेज गए। अच्छा एक चीज बता, मैं पढ़ूंगा, कोई भी वो नहीं, आज की करते है वो चीज है, सबका समय है। आज की कर रहे हैं या न्यूज नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आज की थोड़ी कर रहे हैं, पांचवी में पांच। चले भैया चर्चा कर रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ, देखिए क्या रहे थे, युवाओं को रोजगार नहीं सिर्फ राम मंदिर चाहिए। वो लालू का लड़का 10वीं फेल, वो मुख्यमंत्री बनने लायक है बताइए? बाप कौन है उसका, बाप कौन है? लालू प्रसाद यादव। अरे लालू जब तो, अरे मैं ये पूछ रही हूँ, क्या क्या राम विरोधी हो चुका है विपक्ष? आप कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नहीं मेरा कहना है, ये मतलब हिंदुस्तान में सब धर्म है, हिंदुस्तान में सब धर्म है। अगर हम एक साल या दो साल अगर हम राम के खिलाफ, मतलब राम के सपोर्ट में, जय श्री राम, एक साल हो, दो साल हो, 10 साल हो, जब तक हम नहीं काम करेंगे किसी के अंदर में, खाएंगे क्या? अब बताओ, अगर हम बोल दिए चलो मैं 10 साल बोलूंगा या पूरी जिंदगी बोलूंगा, जब तक नहीं पढ़ूंगा HR के पोस्ट पे, IAS के पोस्ट पे, IPS के पोस्ट पे या MBBS के पोस्ट पे, कैसे पहुंचूंगा? जो शिक्षा मेन इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। चले भैया आइएगा, आप बता रहे थे कौन लगाया पोस्ट? मेरे को जॉब दिलवा दीजिए मीडिया में अपना, मैं भी मीडिया बनना चाहता हूँ भाई, मीडिया वाला मैं भी बनना चाहता हूँ, मेरे को जॉब चाहिए। ऐसे फालतू में घूम रहा हूँ, जॉब मिलेगा क्या? जॉब दे देंगे, बन गया दर्शन के लिए जाइए भैया, आप तो कह रहे हैं कि 23 तारीख चाहिए, हमको जॉब चाहिए, आप देंगे? बोलिए सरकार देगी, तीसरी बार और जिता दी, आपसे लूंगा। जब आप पूछ रही हो तो आप चलिए, आप रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, मैं अपनी जॉब इनको थमा रही हूँ, अपना काम जो है जिम्मेदारी, भैया थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा यार, बातचीत चल रही है। चलिए आपको जिम्मेदारी सौंप रही हूँ मैं,
ये लीजिएगा माइक और पूछिए कि क्या पूछना चाहते हैं, राम मंदिर का विषय कितना जरूरी है। इतना नहीं है, जॉब दोगी क्या? ये जॉब थोड़ी नहीं है, माइक से जॉब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या भाई बोला? चले नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया जो राम को लाए उनको ले आइए, सब समस्या का समाधान हो जाए। वो तो आने के लाने की राम को किसी लाए औकात के लाने की राम तो लेटिए राम तो खाद क्या किसी के लाने की राम तो ऑलरेडी है। बोलिए। चलिए मैं और लोगों से चर्चा कर लेती हूँ। अरे चाचा जी फिर से आप आ गए, क्या कहेंगे आप? अभी वो भाई साहब कहाँ गए जिन्होंने बोला कि जिन्होंने बोला वो भाई साहब कहाँ गए? मैं जरा उनका चेहरा देखना चाहता हूँ जिन्होंने बोला कि वो तेजस्वी यादव हाई स्कूल पास है। मैं उनका जरा चेहरा देखना चाहता हूँ, बुलाओ हमारे सामने। ये हमारे भाई साहब ने अभी अभी बोला कि तेजस्वी यादव हाई स्कूल पास है, फेल है, फेल है। मंत्री लायक था, मुख्यमंत्री लायक था, बताइए। डिग्रियां नहीं है उनके पास। सुन कुत्तो, सुनो उत्तर, सुनो उत्तर, सुनो। अगर प्रश्न करते हो तो गुरुजी उत्तर सुनो। नहीं ना, अगर गुरुजी सुन लो, अगर प्रश्न करते हो तो उत्तर सुनो। हम आपके मीडिया के माध्यम से पूरे भारत को ये बता देना चाहता हूँ कि राजनीति में नेता पक्ष में क्राइटेरिया तय है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर सवाल करने, फिर आपको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार है क्या? नहीं है, अधिकार है क्या? पढ़ा लिखे नहीं है, पढ़े लिखे की बात हुई थी। ये सुनो सुनो सुनो, ये एक सामाजिक अड्डा है मीडिया है। छोड़ भैया, आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी जितने योग्यता नहीं है किसी? सही बोल रहे हो, मोदी कौन से पढ़ा लिखा? देखो योग्यता वाली बात नहीं है, उन्होंने ये बोला था कि मतलब पढ़े लिखे की बात, पढ़े लिखे में तो मैंने कहा तेजस्वी यादव भी हाई स्कूल फेल है। अखिलेश जितना आज के डेट में भी यूपी में जितना मुख्यमंत्री है कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनकी चली नहीं बेचारे की, कोई मुकदमा नहीं है उसकी, चली नहीं, चली नहीं, इसलिए वो गया और उन्होंने अपनी मट्टी उन्होंने छोड़ा। ऐसा बात बता दीजिए आप, मैं फिर से आ जाती हूँ, ब्राह्मण है आप, बार बार मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विवाद यही आ रहा है कि भैया आप असली हिंदू नहीं हो, मैं असली हिंदू हूँ। क्या आप जाएंगे 22 तारीख को कि नहीं जाएंगे? सुन लीजिए, हम इसके 22 तारीख को जाएंगे कि नहीं? एक मिनट सुन लो भाई, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन ले भाई, सुन ले एक चीज। आपके मीडिया के एक से एक मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि खून को रंगी ही ना, खून को रंगी ही ना और जख्म को गुलजार कहा। खून को रंग, खून को रंगी ही ना, रुक जाओ रुक जाओ, राम मंदिर का निर्माण ही ना है ना, तो बोलो जी। अभी मंदिर मंदिर जय श्री राम, सुनो सुनो सुनो, खून खून को रंगी ही ना, खून को रंगी ही ना और जख्म को गुलजार कहा और दिल से बेबस है, दिल से है। चुप रहा भाई, नहीं तो बोल हट जाऊं। आप अपनी बात कीजिएगा, तुम्हारी बात भी आएगी, तुम्हारी बात भी आए, तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हारी तुम्हारी बारी भी आएगी। सुनो, खून 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 को रंगी ही ना और जख्म को गुलजार कहा और दिल से बेबस है जो कातिल को दिलदार कहा। और सुनो, अब पारसा वो है, मैडम जी, मैडम प्लीज, पारसा वो है जो इंसान का लहू पीते हैं और हमने पी आग तो सबने मैखार का, हमने आग पी रहे हैं, ये भारत की जनता आग पी रही है। पूछो कैसे, क्यों पी रही है, सवाल करो, बता दीजिएगा। इन्होंने 2019 में हीरो स्प्लेंडर का दाम था 60,000 रुपए, अभी अभी 1,00,000 रुपए है। पहला 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 तमाचा मारा, पहला तमाचा मारा, फिर सुनो, तब हीरो स्प्लेंडर नहीं थी। एक मिनट सुन,
सुनिए सुनिए, इन्होंने सुनो, उन्होंने पहला तमाचा ईंधन से, इन्होंने पेट्रोल पे तमाचा मारा, फिर इन्होंने रोड टैक्स पे तमाचा मारा, इन्होंने पार्किंग पे तमाचा मारा, और हद तो तब हो गई घर पे तमाचा, हद तो गुरुजी, हद तो तब हो गई जब इन्होंने 7 लाख रुपए और 10 साल सजा होगी, हद तो तब हो गई, इन्होंने 7वां तमाचा मारा इन्होंने। अब आप बता दो तो ये हमारे जितने भाई हैं, जितने मजदूर हैं, जितने श्रमिक हैं, ये तमाचा पे तमाचा खाते रहेंगे क्या? सरकार से सवाल है। चुनाव आ रहा है, देखिए चुनाव आ रहा है, बीजेपी कह रही है जनादेश हमारे साथ है, जनादेश बीजेपी के साथ है, मोदी जी की गारंटी। सुन लीजिए, हम इन्होंने 5 किलो अनाज दिया, कितना दिया? मुझे नहीं मिलता, एक मिनट, आपकी आवाज जा रही, बोलिए। इन्होंने 5 किलो अनाज दिया, लेकिन इन्होंने सोने का पीछे से आवाज आ गई, कुछ दिया ना दिया, राम मंदिर दे दिया, फिर से वो आ गया, भैया राम मंदिर तो मिल रहा है ना, मेरे मंदिर से मतलब है बात खत्म, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हम कर लेंगे, जा रहे हो राम रोजगार, वही हाँ जा रहे, कल जा परसों जा रहे, चलोगे? मैं लेके चलूंगा, ठीक है, हम भी क्या तो रहे, युवा है, देखिए देश का युवा है, युवाओं के हाथ में पावर है, क्या रहे, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, हमें सिर्फ मंदिर चाहिए, जिसके पास काबिलियत है उसके पास नौकरी की कमी नहीं है, सही बात, उसके पास नौकरी की कमी नहीं है, ना 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 छोड़ दो सरकार, कोई गलत, सुनो बैठ, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, सुनो एक मिनट, देश का युवा कह रहा है राम मंदिर चाहिए और कुछ नहीं, जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, क्या प्रश्न करो, कांग्रेस की सरकार में मैं भाई डीएम हुआ करता था, ये बीजेपी ने मेरी नौकरी छीन ली, ये मेरा भाई दरोगा था भाई, ये अंकल एसडीएम थे, ये देखो ये एसडीएम थे, माइक इधर करो, सुनो सुन लो, सुन लो बाहुर, सुन लो, अरे सुनो गली में, लेकिन कह गए हैं कि राम मंदिर चाहिए तो वो मिल गया, बस रोजगार मिले ना, हमने क्या बोला आपके आपके मीडिया के माध्यम से, हमने एक ही चीज बोला, राम जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अच्छी बात है, 140 करोड़ जनसंख्या की आवाज है, राम सबके लिए है, राम किसी रूप में हो सबके है, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और उसका दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, और उसको एक सादगी से, एक सज्जनता से देश के सामने नया आयाम देना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र की, इंसान धर्म किसी को गलत नहीं कहता, नहीं कहता ना, नहीं हमारा धर्म भाई किसी को गलत नहीं कहता, सब अपना करे, सब अपना करे, हमें सुनिए, हम अपने नसीब का कर लेंगे, सुन लीजिए, समाज हम क्या है, यहाँ जो इंसान खड़े हैं क्या है, समाज है, क्या है ये समाज है, प्लेटफॉर्म क्या है, आपको क्या दिक्कत है, सुन लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए, ये मीडिया क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, हमें पता है, और यहाँ जो भाई खड़े हैं, हमें पता है, अंकल मैं डिजिटल मीडिया से हूँ मैं भी, अरे सुन लीजिए, मैं इन सब चीजों का काम करता हूँ, मेरा काम है चैनल को, क्या नाम है सर, बढ़ाना, काम क्या है, सुन लीजिए, हाँ आप मुझे इन चीजों के बारे में ना बताओ, प्लेटफॉर्म है, और हम क्या है, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज है हमारा, समाज में जुड़े हैं, और समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, मैं सुन लो, उत्तर सुन, राम से हाथ हाथ टेस्ट करा ले, सुन 5,000 रुपए इनाम दूंगा, और नहीं तो 10,000 दे दे, तू बेटे के बराबर, चलो चलो चलो, बात गलत वर्ड नहीं, तूने कैसे बोल दिया, दारू पिया, दारू कर रहे, चले सर ये कह रहे हैं, इनका कहना है, चले बहुत धन्यवाद, मैं जनता से जान रही थी कि जनता क्या कुछ सोचे है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्या राजनीतिकरण हो रहा है राम मंदिर का, या फिर वाकई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और राम मंदिर का जैसे सबको इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो रहा है, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।